आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। ऐलानिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हलका बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया करेगा। एतराजात तजावीज की समाप्त के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया। कहा मुल्क में इंतखाबात की तैयारी की जाए, चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। जरा इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी को इलेक्शन की तारीख करार दे दिया। तमाम वसाइल मौजूद हैं, इलेक्शन जब कहेंगे इंतखाबात करा देंगे। निगरा वफाकी वजीर इत्तिलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है, इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबी मुहिम के लिए 54 दिन देने हैं। हतमी तारीख का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास है। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को बराबर मौके हासिल हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद, नैब केसेस बहाल। एहतसाब अदालतों में नैब रेफरेंस जमा कराने का सिलसिला जारी। 8 एहतसाब अदालतों में 160 के लगभग रेफरेंस वापस। जाली बैंक अकाउंट केसेस में कराची की बैंकिंग कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड नैब इस्लामाबाद अरसाल नामजद फरियाल तालपुर अनवर मजीद हुसैन लुवाई अब्दुल गनी मजीद और दीगर शामिल। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी राजा परवेज अशरफ समेत दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस जमा। अदालती अमले ने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू कर दी। नैब खैबर पख्तूनख्वा का एहतसाब अदालतों के मरासला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 7 रोज किसके अंदर अमल। नैब बलूचिस्तान ने भी 30 से ज्यादा केसेस की तहकीकत दोबारा शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरे सानी केस 28 सितंबर को समाप्त के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच तश्कील, चीफ जस्टिस बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस अथर मिनला बेंच में शामिल। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ एमकेएम ने नजरसानी दरखास्तें दायर कर रखी हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापसी के एक दिन बाद दोबारा लंदन यात्रा। नून लीग के सीनियर रहनुमा मरीम नवाज भी लंदन पहुंच गई। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ के हालिया बयान पर संजीदा हलकों में तश्वीश। लीगी कायद के सख्त फैसलों पर कई सीनियर रहनुमा भी नाराज। साबिक अरकान असेंबली ने शहबाज शरीफ को तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया। तेज बढ़ती महंगाई भी नवाज शरीफ के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल में रुकावट। लीगी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स ने हाथ खड़े कर दिए। कहा महंगी बिजली और पेट्रोल से परेशान लोग इस्तकबाल के लिए आने को तैयार ही नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की मजमू सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत।